channel and today I am making a vlog about Zobia's birthday. Zobia's birthday is tomorrow 28th February and Zobia is making her own birthday bringing cake which is vanilla blueberry flavor, her favorite cake. And Zobia do work and baking in a once in a blue moon. So I'm Zobia bana rahi vanilla blueberry flavor ka cake jo uska favorite hai and I am shooting her video of how she is doing the work and also we are sharing very tips and tricks about you. So watch this video till the end and don't forget to like, share and comment about this video. So thank you so much. And जैसे कि आप लोगों को पता है Zobia बना रही है वेनिला ब्लू बेरी फ्लेवर में केक एंड ये Zobia पोर कर रही है वेनिला केक स्पॉन्ज का बैटर. Zobia से हाय. हाय. एंड नाउ द बैटर इज रेडी. इसको टैप करना है ताकि केक अच्छे से इवनली टिन में बैठ जाए एंड नाउ इसको बेक करने रखेगी ओवन में. चलो ये है मेरा मॉर्फे रिचार्ड का ओवन 60 liters एंड यू कैन सी हियर एंड वी आर गोइंग टू बेक दिस केक ऑन 180 degree टेम्परेचर बॉटम रॉड ऑन फॉर 20 minutes एंड ये ओवन ऑलरेडी प्री हीट हो चुका है ऑन द सेम फंक्शन फॉर 10 minutes. तो चलो अब इसको प्री हीट करते हैं. अब ये केक को बेक करने रखते हैं अंदर मिडिल रैक में इन द सेंटर. प्लीज टेक केयर इट इज़ वेरी हॉट एंड वॉर्म. ओवन बंद कर दो एंड टाइमर घुमा दो 20 minutes पर. डन. Zobia का केक बन गया है एंड Zobia इज नाउ डिमोल्डिंग हर केक एंड शी बेक ओनली वंस इन अ ब्लू मून. फॉर द फर्स्ट टाइम शी हैव बेक द केक एंड शी विल ऑल्सो डेकोरेट इट एंड सी हाउ शी इज डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. सो सी यू नेक्स्ट. अभी Zobia बना रही शुगर सिरप एंड Zobia ले रही है 2 tablespoons नॉर्मल शुगर एंड 1/2 cup नॉर्मल वाटर एंड इसको बॉईल करेंगे जब तक कि शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाएगी एंड फिर गैस बंद कर देंगे. जब शुगर सिरप नॉर्मल हो जाएगी ठंडी हो जाएगी फिर उसको केक सोक करने के लिए यूज़ करेंगे. एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि शुगर सिरप केक में क्यों यूज़ करते हैं, वाई डू वी सोक अ केक. एंड Zobia ने अभी केक कट करना स्टार्ट कर दिया है एंड दिस इज़ हाउ शी इज़ कटिंग केक एंड मैंने उसको केक का डोम कट करके दे दी हूँ because she was feeling hard to cut it and this is how she is cutting. And ये turntable glass turntable मैंने purchase की हूँ ग्रैंड रोड आरिफ से and उसकी link मैं description में mention कर रही हूँ तो आप लोग उनसे order कर सकते हो. And this is how Zobia has cut the first layer of the cake और जो remaining cake बचा है इसका 2 layer करेंगे. So exactly we are making 3 layers of cake and अभी last layer cut हो रही है. एंड कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा एंड आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है. सो मैं वैसे ही वीडियोज़ बना के सारे व्लॉग्स करूँगी एंड मैनी मोर थिंग्स कमिंग टू द व्लॉग्स. सो स्टे ट्यून. एंड Zobia के केक की लास्ट लेयर कट हो चुकी है और उसको वो उठा के रख रही है नीचे एंड दिस इज़ हाउ द केक इज़ लुकिंग. सो स्पॉन्जी एंड नाइस. अगर आपको सीखना है सो यू कैन एनरोल फॉर माई वर्कशॉप. एंड Zobia आर यू फीलिंग हैप्पी? एंड अभी Zobia बना रही है फ्रॉस्टिंग एंड वी आर यूजिंग ट्रोपोलाइट विप क्रीम जो Zobia निकाल रही है एंड इसकी कंसिस्टेंसी जो है लिक्विड और चिल्ड होना चाहिए तो आपकी क्रीम अच्छे से बीट होगी. अगर आपको जानना है विप क्रीम कैसे बनाते हैं सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड जिसमें हम बताएंगे आपको विप क्रीम कहाँ स्टोर करना है, कहाँ रखना है और विप क्रीम कैसे बनाना है. सो द कंपनी वी आर यूजिंग इस प्रीमियम ट्रोपोलाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है जहाँ से मैंने ये परचेज करी हूँ ग्रैंड रोड आरिफ. यू कैन ऑल्सो बाई इट एंड वी हैव टुक 2 cups ऑफ विप क्रीम जो लिक्विड और चिल कंसिस्टेंसी में जैसा कि आप लोग ने देखी हो इस बाउल में भी ये पूरे लिक्विड होना चाहिए और चिल्ड होना चाहिए तभी आपकी क्रीम प्रॉपरली बीट होगी. एंड Zobia विल नाउ विप दिस क्रीम एंड मेरे पास है इटालिया का हैंड मिक्सर. आई एम हैविंग दिस इटालिया हैंड मिक्सर 300 watts. आपके पास मिनिमम 300 watts का इलेक्ट्रिक बीटर होना चाहिए तभी वो अच्छा चलेगा लॉन्ग टाइम तक के एंड उसकी मशीन भी खराब नहीं होगी एंड ये बहुत ही कम रेट में है. चुकी है बट अभी भी बाकी है. एज यू कैन सी जब बाउल स्क्रेप करेंगे तो साइड की जो क्रीम होती है वो थोड़ी वॉटरी होती है तो आपको एक बार साइड से बाउल स्क्रेप करना है एंड अगेन यू हैव टू बीट इट ताकि आपकी पूरी क्रीम जो है इवनली बीट हो जाए. सो अगेन वी विल बीट इट.
कैसे चेक करेगी कि विप क्रीम बीट हो गई है या नहीं? पहले आपको स्पैचुला बीच में खड़ा करके छोड़ देना है। अगर आपका स्पैचुला खड़ा है, वो गिर रहा नहीं है, स्ट्रेट है, मतलब आपकी क्रीम अच्छे से बीट हो गई है, स्टिफ है वो, फिर आप बाउल अपसाइड डाउन करके टेस्ट करेंगे। अगर आपकी क्रीम गिर रही नहीं है ज़रा सी भी, वो स्टिफ है, मतलब आपकी क्रीम एकदम प्रॉपरली बीट हो गई है, देन यू विल सी द कलर एंड हाउ द टेक्सचर ऑफ द विप क्रीम। यू कैन सी इट इज मैट, सो मीन्स आपकी क्रीम विप हो गई है, ज़रा भी वाटरी नहीं लग रही है। अगर ये तीनों स्टेप आपकी क्रीम में दिखाई दे रहे हैं, मतलब आपकी क्रीम विप हो गई है। अगर तीनों में से कोई भी स्टेप मिसिंग होगा तो मतलब आपको अपनी क्रीम और बीट करने की ज़रूरत है। सो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, यू कैन मैंशन डाउन इन द कमेंट और यू कैन सी। नाउ ज़ोबिया इज मेकिंग ब्लूबेरी फ्रॉस्टिंग, जिसमें हम विप क्रीम में ऐड कर रहे हैं मालास का ब्लूबेरी फिलिंग, एंड ये बहुत ही थिक और अच्छा होता है, एंड ये आप अपनी टेस्ट के हिसाब से अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हो। दिस इज़ द मालास ब्लूबेरी फिलिंग वी आर यूजिंग, एंड ये आपको मिलेगा आरिफ ग्रैंड रोड स्टोर पे, जो ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मेंशन कर दी हूँ। आपको विप क्रीम में बस फिलिंग डालना है अपनी चॉइस की, अपने हिसाब से ले सकते हो आप, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है टिल इट विल गेट इवनली कम्बाइन, एंड फिर हम अपना केक उससे फ्रॉस्ट करेंगे। यहाँ पे जो है ब्लूबेरी फ्रॉस्टिंग रेडी हो गई है, आप लोग देख रहे हो उसमें ब्लूबेरीज भी विजिबल होती है, एंड ये फिलिंग बहुत अच्छी होती है मालास की। बहुत सारे फ्लेवर्स अवेलेबल होते हैं जो आप कोई से भी फ्लेवर का केक बनाने के लिए यूज कर सकते हो। सो भी मैंने रेडी कर ली है ब्लूबेरी फ्रॉस्टिंग एंड वेनिला स्पॉन शुगर सिरप। अब हम केक को असेंबल करते हैं। हम केक असेंबल करने जा रहे हैं, एंड केक बोर्ड जो है टर्न टेबल पे से शिफ्ट होता है, तो हम टिश्यू पेपर को थोड़ा सी वेट कर रहे हैं और फिर उसके ऊपर केक बोर्ड रखेंगे, तो आपका केक बोर्ड टर्न टेबल पे से शिफ्ट नहीं होगा और वो इजीली डेकोरेट हो जाएगा। ये हमने रख दिए है, एंड फ्रॉस्टिंग जो है हम पाइपिंग बैग में डाल रहे हैं, एंड पाइपिंग बैग की हेल्प से ही लेयर्स में ज़ोबिया विप क्रीम लगाएगी, बिकॉज इट इज ईजी टू यूज, ज़ोबिया इज नॉट अ प्रो, सो इट विल बी हार्ड फॉर हर। डायरेक्टली क्रीम डाल के अप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, सो अगर आप बिगनर हो या आप बिगनर नहीं भी हो, आपसे क्रीम अच्छे से विप जो है स्प्रेड नहीं होती है, सो आप उसको पाइपिंग बैग में डाल के जैसा भी ज़ोबिया करेगी आप भी वैसा कर सकते। थोड़ी सी विप क्रीम लेके आपको केक बोर्ड पर लगाना है, उससे आपका जो केक है वो केक बोर्ड पे से शिफ्ट नहीं होगा। बस जो है हमने मिडिल लेयर रखा है, एंड उसको शुगर सिरप से सोक करना है प्रॉपरली अच्छे से, जस्ट लाइक दिस, यू कैन सी एवरीवेयर प्रॉपरली। फिर उसके बाद उस पर लगाएंगे पाइपिंग बैग के ज़रिए विप क्रीम ब्लूबेरी फिलिंग, उसको आगे से थोड़ा मोटा कट करना है ताकि आपकी जो ब्लूबेरी के लम्स होंगे वो भी ईजिली निकल जाएंगे, एंड दिस इज हाउ ज़ोबिया इज अप्लाइंग। वो इवनली अच्छे से स्प्रेड कर देना है, जस्ट लाइक यू अप्लाई ब्रेड ऑन बटर, सेम लाइक यू हैव टू अप्लाई योर विप क्रीम ऑन द केक, वेरी लाइट हैंड एंड विद वेरी लाइट प्रेशर, इवन प्रेशर, एंड सी हाउ ज़ोबिया हैज डन इट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये ज़ोबिया, यू आर रॉकिंग इट। ज़ोबिया विल put the middle layer upside down just like this, and first we are going to fill the gaps between both the layers. आपको ज़्यादा press नहीं करना है, otherwise आपका cake बहुत soft है, वो ख़राब हो जाएगा। sugar syrup apply कर रहे हैं and then sides fill करके उसको even करेंगे, and जो भी अभी piping bag से कर रही है sides fill, you can see, एंड ये है संगत का असर। ज़ोबिया केक नहीं बनाती थी, बट शी वॉच मी एवरी टाइम व्हेन आई एम डूइंग, शी यूज टू सिट इन माई क्लास, एंड दिस इज हाउ वेल ज़ोबिया इज डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड इसको अच्छे से इवन करना है, एंड मैं ज़ोबिया की बिल्कुल भी हेल्प नहीं करूँगी आज, मैंने सिर्फ उसको केक का डोम कट करके दी थी, बाकी सब ज़ोबिया विल डू इट बाई हर सेल्फ ओनली, एंड दिस इज शी हैव डन। नाउ apply the cream on top middle layer, and now applying the cream on the middle layer. जो भी हम मिडिल लेयर में विप क्रीम अप्लाई हो गई है पाइपिंग बैग थ्रू, एंड इसको अब स्मूथ कर रहे हैं पैलेट नाइफ से, एंड मेरे केक के जितने भी मटेरियल्स होते हैं सारे आरिफ स्टोर से ही परचेज करती हूँ मैं। आरिफ स्टोर काफ़ी जगह पे है, सो यू कैन सर्च ऑन गूगल ऑल्सो कि आपके नियर बाय में जो आरिफ स्टोर है आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो, और अगर आप नियर बाय में नहीं भी है तो वो कोरियर भी करते हैं, तो आप उनसे कोरियर के ज़रिए भी सामान मंगवा सकते हो। वी आर एडिंग द फिलिंग इन द मिडल लेयर, वी ऑल्सो वॉन्टेड टू एड इट इन द फर्स्ट लेयर ऑल्सो, बट
ब्लॉग बनाने के चक्कर में हम भूल गए थे उसमें वो ऐड करना फिलिंग, सो नाउ ये वाली लेयर में हम फिलिंग ऐड कर रहे हैं। कोई बात नहीं, बिकॉज हमने ऑलरेडी विप क्रीम में अच्छी खासी फिलिंग ऐड कर दी है, तो फ्लेवर का टेंशन नहीं है, फ्लेवर एकदम भर भर के आने वाला है केक में। एंड दिस इज डन, एंड नाउ द बॉटम लेयर वी विल अप्लाई अपसाइड डाउन ऑन द केक। ये है बॉटम लेयर केक की, जो हम अपसाइड डाउन केक पे रखेंगे। इसका जो बॉटम पार्ट होता है केक का, वो काफ़ी हार्ड होता है, उसमें शुगर सिरप जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होती है, इसलिए हम उसको अब पहले शुगर सिरप से सोक कर रहे हैं और फिर केक पे अपसाइड डाउन रख रहे हैं, एंड थोड़ा सी ऊपर से भी सोक कर लेंगे। आई डोंट रिमूव इट बिकॉज ऑलरेडी उसको सोक करो, फ्रॉस्टिंग्स वगैरह लगाओ तो वो सॉफ्ट हो जाता है, सो यू डोंट नीड टू कट इट अनटिल इट इज़ नॉट बर्न। ज़ोबिया इज़ फिलिंग द साइड ऑफ द केक, पूरा क्रम कोट करेंगे हम ये विप क्रीम से, जो ब्लूबेरी की फिलिंग वाला क्रीम है, ये क्रीम से पूरा केक जो है क्रम कोट कर लेंगे अच्छे से, ऑन टॉप ऑल्सो द रिमेनिंग क्रीम। And Zovia is crumb coating the cake. You can see she is struggling with it. How to crumb coat it? And top ho chuka hai. Now do the side Zovia. And sides to crumb coat kar rahi hai. And dun 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 dun. Now we are going to do final coat for a cake. And color kar rahe hai purple color. And ye Chef Master company ka gel color hai purple color, which you can get easily from any of the baking supply store. बहुत सारे brands में color available होते हैं, जिसमें से मेरा favorite है Chef Master, Amri and Magic. मैं mostly यही तीन brands के colors use करती हूँ. And ये gel colors होते हैं, you have to store them at रूम टेम्परेचर ओनली, बिकॉज वो काफ़ी थिक होता है, एंड जेल कलर यूज़ करने से आपकी क्रीम की कंसिस्टेंसी टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। दैट्स वाई जेल कलर इज़ द बेस्ट थिंग टू यूज़ फॉर एनी केक, एंड केक स्पॉन्ज किसी में भी यूज़ कर सकते हो आप। क्रीम जो है कलर हो चुकी है, एंड यू कैन सी द कंसिस्टेंसी, कलर ऐड करने के बाद भी ये अभी तक के इतनी स्टिफ कंसिस्टेंसी में है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको, एंड कलर आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हो। हमको ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए था, सो वी ओनली एडेड 3-4 ड्रॉप्स ऑफ जेल कलर एंड वी हैव मिक्स्ड इट। नाउ वी विल डू द फाइनल कोट फॉर अ केक। वी आर इज डूइंग फाइनल कोट टू द केक। पाइपिंग बैग में कलर्ड पर्पल विप क्रीम डाल दी है, एंड आपको बस टर्न टेबल रोटेट करते जाना है, एंड प्रेशर इवन रखना है पूरे केक पर। आपको अच्छे से विप क्रीम अप्लाई कर देना है, देन उसको स्मूथ कर देना है। ये एकदम ईजी और बेस्ट स्टेप है कि आप फाइनल कोट करो ऐसे, एंड आपका केक इससे विजिबल नहीं होगा, एकदम सही अमाउंट में विप क्रीम लग जाती है। एंड आप जितनी थिक और थिन विप क्रीम लगाना चाहो उतनी लगा सकते हो। दिस इज़ द थिकनेस ऑफ द विप क्रीम। वी डोंट लाइक टू मच विप क्रीम, सो ये इतनी ही थिकनेस है विप क्रीम की। एंड नाउ शी इज़ डूइंग द फाइनल कोट टू द केक। विप क्रीम पूरे केक पर अप्लाई हो गई है, एंड इसको स्मूथ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पैलेट नाइफ, एंड यू कैन सी हाउ इज Zovia डूइंग इट। तो जब Zovia कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। अभी Zovia कर रही है साइड को स्मूदन आउट, एंड लुक एट दिस फिनिशिंग विद Zovia। सो व्हाट Zovia, बेक बाय Zovia, वर्क विद Zovia, ऐसे नहीं करना। एंड Zovia इज स्ट्रगलिंग, मैं उससे थोड़ी टिप्स वगैरह शेयर की हूँ कि क्रीम लगना चाहिए केक पे से, निकालते नहीं जाना है आपको क्रीम। एंड Zovia इज डूइंग हर बेस्ट, एंड Zovia द स्ट्रगल इज रियल। बताओ क्या बेकर बनना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू बी अ प्रोफेशनल बेकर, सो प्लीज़ अप्रिशिएट एवरी वनस एफर्ट एंड हार्ड वर्क व्हाट दे आर पुटिंग ऑफ इन देयर बिजनेस, बिकॉज जब आप करोगे तो ही आपको पता लगेगा कि हर काम में मेहनत है, बिना मेहनत के कोई काम नहीं होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Zovia बढ़ चुकी है अपने अगले पड़ाव की तरफ, और Zovia पहले प्रैक्टिस कर रही है बोर्ड पे और फिर वो फाइनल करेगी केक पर। सो दिस इज हाउ शी इज़ प्रैक्टिसिंग द बॉर्डर। द नोजल नंबर इज A5, मैंने लूज में ली थी आर्य स्टोर से, कोई ब्रांड नेम नहीं है उस पर, बस A5 रिटन है। एंड दिस इज़ हाउ द नोजल इज़ कमिंग आउट।
सो यू कैन यूज दिस नोजल फॉर एनी काइंड ऑफ स्टफ। ज़ोबिया बॉर्डर्स बनाना स्टार्ट कर दी है, पहले नीचे बना रही है ज़ोबिया बॉर्डर्स एंड ज़ोबिया बॉर्डर बना रही है एंड दिस इज हाउ इट इज कमिंग। बॉर्डर्स बनाते बनाते अभी ज़ोबिया के बॉर्डर्स बनाने में थोड़ा परफेक्शन आ गया, उसको आइडिया हो गया है कि अब बॉर्डर्स के लिए उसको टिप कैसे यूज़ करना है। सो, अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करोगे तभी आपको कोई चीज़ का अंदाज़ा होगा कि आपको वो चीज़ कैसे करना चाहिए। तो एक टाइम में किसी को भी नहीं आता है, यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग इट एंड दिस इज़ डन। अभी टॉप पे करेंगे एंड अब ज़ोबिया बॉर्डर्स बना रही है टॉप पे एंड दिस इज द केक, इट इज़ गोइंग ऑन। एंड जब मैंने अपना फर्स्ट केक बनाई थी तो मेरा फर्स्ट केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था, केक का स्पॉन्ज। थर्ड टाइम में मेरा केक का स्पॉन्ज बहुत ही अच्छा बना था एंड फिर मैं केक बनाती रही और मेरा प्रैक्टिस होती गई एंड केक अच्छा बनता गया। एंड आई विल सून शेयर कि मेरा बिजनेस ग्रो अप कैसे हुआ है, सक्सेस कैसे हुई हूँ, ईच एंड एवरी थिंग अबाउट माई बिजनेस। मैं उसका भी व्लॉग जल्दी डालूंगी एंड इट इज़ डन, टाडा। एंड ज़ोबिया अभी केक पे ड्रिप्स देने स्टार्ट कर रही है एंड शी इज़ यूजिंग रेडीमेड ड्रिप्स। ये गोल्डन ड्रिप्स है रेडीमेड एंड ये बेक हेवन कंपनी की है, मैजिक कंपनी की भी आती है जो वो भी बहुत अच्छी होती है। एंड ये ड्रिप्स रूम टेम्परेचर पे स्टोर करनी होती है। दिस इज़ एडिबल एंड दिस इज़ स्वीट इन टेस्ट एंड दिस इज़ हाउ ज़ोबिया इज़ डूइंग द ड्रिप्स। फ्लॉक्स बॉल से केक डेकोरेट कर रही है, दीज आर नॉन एडिबल फ्लॉक्स बॉल। ये पिंक शिमर वाला था एंड दिस इज गोल्डन वन एंड दीज आर नॉन एडिबल फ्लॉक्स बॉल विच ऑल्सो आई हैव परचेस्ड फ्रॉम RF स्टोर ग्रैंड रोड ओनली एंड इवन द ग्लास टर्न टेबल इज फ्रॉम देयर एंड एवरीथिंग। एंड दिस इज हाउ द केक इज लुकिंग, इट इज़ नॉट येट कम्प्लीटेड। द नेक्स्ट एंड शी इज ऑल्सो पुटिंग सम फ्लॉक्स बॉल टू द नेक्स्ट end of the cake opposite side and you can see this is the first cake made by Zobia and ye laga last ball, dun dara dun dun, and this is the look of the cake. This is Zobia is putting the non edible butterfly and look at the cake decoration ke baad cake ka look kitna change ho jata hai. So you having so many of baking items jo decoration ke liye use hote hai jisse aap apne cake ko खूबसूरत दिखा सकते हो एंड जस्ट सी एट दिस केक, इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल आफ्टर द डेकोरेशन। एंड ज़ोबिया इज पुटिंग द टॉपर ऑन द केक एंड ये टॉपर भी जो है RF स्टोर से ही परचेज की थी, ये प्लास्टिक का टॉपर है यूनिकॉर्न थीम का। हैप्पी बर्थडे एंड आपको काफ़ी सारी वेराइटीज मिलेगी RF स्टोर में एंड द केक इज रेडी एंड ज़ोबिया इज वेरी हैप्पी विद द केक। द केक इज रेडी मेड बाय ज़ोबिया एंड इट इज अ वेनिला ब्लूबेरी फ्लेवर डेकोरेटेड विद अ एडिबल गोल्ड रिब, सम नॉन एडिबल फ्लॉक्स बॉल, बटरफ्लाई टॉपर्स एंड हियर इज द ज़ोबिया एंड शी हैव मेड दिस केक फॉर अ बर्थडे विच वी आर गोइंग टू कट बाय 12 midnight टूडे एंड हर बर्थडे इज ऑन 28th of Feb। So, here is my younger sister, she is my real sister and this cake is made by her for the very first time, vanilla blueberry flavor, and hope you like this vlog. So now we are ending this vlog here and don't forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for supporting.